हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही बात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान लिटिल गैलेक्सी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ न्यू रेसिपी से, और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ न्यू रेसिपी जो कि है बटर चिकन विथ नान। तो नान भी जो है हम लोग घर में ही बना रहे हैं, साथ में बटर चिकन भी बना रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को जो है पूरी बटर चिकन की जो है मैं पूरी रेसिपी आप लोग को इस ब्लॉग में शो करूँगी। अभी हम लोग जा रहे थे कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिसिंग है घर में नहीं है, आई मीन मिसिंग नहीं है घर में नहीं अभी अवेलेबल, तो बस वही लाने के लिए अभी हम लोग जा रहे। तो जैसा भी है मैं पूरी रेसिपी आप लोग को अच्छे से शूट करके स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी आप लोग। तो यहाँ हम आ गए थे घर, जब तक मम्मा सारे प्रिपरेशंस कर दिए थे, ऑलमोस्ट जो जो चीज़ हम लोग को चाहिए था वो निकाल के रेडी रख दिए थे। तो यहाँ पर जो है आटा लिया है हमने, दही और दूध लिया है, और थोड़ा सा पानी और तेल लिया है, और साथ में जो है नमक सोडा शक्कर और बेकिंग पाउडर लिया है इसमें ऐड करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जैसा दिख रहा है ना वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप इसमें डालकर उसको आटे को जो है अच्छे से गूंदना रहेगा, सॉफ्ट डो बना लेना रहेगा। है मुझे अपनी पहली मुलाकात, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना। तो यहाँ पर जो है चिकन ले लिया है हमने, और एक उसमें दही बटर काजू और प्याज टमाटे और हरा धनिया, साथ में नींबू भी लिया था हमने, और जो आपको छोटी से कटोरी में जो है वो जो है गरम मसाले है उसमें। तो ये सारे जो है बटर चिकन के इंग्रेडिएंट्स है, और यहाँ पर पहले हम जो है चिकन को पहले मैरिनेट कर लेंगे। नमक और अदरक लहसुन फर्स्ट हमने इसमें ऐड किया है, और इसको मैरिनेट करके थोड़ा साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन, उसमें ऐड कर दिया है ऑयल, और जैसा ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे अनियन, और इसको जो है अच्छे से पिंक कलर का थोड़ा सा ये जो कच्चापन है ना अनियन का आई मीन प्याज का वो थोड़ा ख़त्म हो गया तक उसको फ्राई करना है। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटे, और जो भी हम चॉप करके रखे थे वो टमाटे हम इसमें ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों भी जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे काजू, और काजू भी ऐड करे बाद फिर से उसको एक 2 मिनट्स तक सौते करेंगे, अच्छे से भूलेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। आप देख सकते हो तेल यहाँ ऊपर आ गया है, और अभी इसको जो है हम ग्राइंडर के जार में निकाल लेंगे और इसका एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है चिकन को फ्राई करने का। यहाँ मैंने पैन ले लिया था वही सेम पैन, उसमें हम ऐड कर देंगे बटर, और इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना वो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। और अभी आप लोग को जो है ये चिकन पिंक कलर का दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को जो है जो मसाला जो ग्रेवी हम बनाएंगे ना उसमें भी पकाना रहता है इसको, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ब्राउन हुए तक ही आपको फ्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिकन जो है हमारा रेडी हो गया, अभी हम इसको जो है निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक जो हमने पेस्ट बनाया था वो उसको पकाएंगे। ओके, सो अभी जो हमने चिकन फ्राई किया था उसमें हम ऐड कर देंगे, उसको फिर से सेकेंड कोटिंग करना रहता है ये मैरिनेट की। तो यहाँ पर जो है चिकन ले लिए, उसमें ऐड कर दिए हम मसाले जैसे कि नमक मिर्ची हल्दी और अदरक लहसुन ऐड किया है हमने, और उसमें दही ऐड किया था, कोथमीर पुदीना ऐड किया है, और एक आधा नींबू का रस भी हमने इसमें ऐड किया है, और इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेके इसको भी साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, उसमें भी हम ऐड कर दिए बटर, और बटर के साथ हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था, और जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया था ना टमाटे और प्याज का वो पेस्ट इसमें ऐड करना रहेगा, और ये पेस्ट को जो है अच्छा से पकाना रहेगा, जब तक इसके ऊपर तेल ना आ जाए तब तक इसको अच्छे से पकाना रहेगा। तो इसको जो है मसाले को मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो अब देख सकते हो आप पर अच्छे से तेल ऊपर आ गया है इसका। तो अभी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना वो चिकन भी हम इसमें ऐड कर देंगे, देन उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन के साथ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसको एटलीस्ट एक 8 या 7 मिनट्स के लिए जो है कम फ्लेम पे उसको पकाने के लिए रखना रहेगा। इसको भी सेम वैसे इसका पूरा तेल जो है ना ऊपर आ गए तक उसको पकाने रखना है, और साथ में जो है चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है हमारा चिकन जो है रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं इसके भी ऊपर का तेल जो है अच्छे से ऊपर आ गया है। और अभी हम इसमें जो है थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा कटोरा लिया है, उसमें है ना जो कोयले मैंने साइड में गर्म करने के लिए रख दिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में जो है ऊपर जो है ऑयल ऐड किया है, उसके बाद स्मोक के लिए इसको रख देंगे। इसका अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आता है तो इस वजह से मैं स्मोक दे रही हूँ। अगर आप लोग को नहीं पसंद तो आप लोग नहीं दे सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर जो है हमारा बटर चिकन जो है अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में कर देंगे और नेक्स्ट जो है नान की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। नान जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको किस तरह से बनाया था मैंने। सो अभी यहाँ पर जो है हमने जो डो ले लिया था ना वो यहाँ पर निकाल लिए, और अभी जो है मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा, और उसके बाद जो है थोड़े छोटे छोटे से हम लोग इसमें से निकाल निकाल के पेड़े बना लेंगे। जैसा गोल गोल जैसे नॉर्मल बनाते हैं रोटी के लिए वैसे हम सेम मेथड रहेगा। तो जल्दी जल्दी मैं पहले पेड़े बना लूँगी। सो यहाँ पर जो है मैंने रोटी को अच्छे से ओवल शेप में मैंने बेला है, इसको गोल सर्कल नहीं रखा है। और उसके ऊपर से जो है हम कोथमीर ऐड कर लेंगे, एंड कोथमीर ऐड करे बाद नाजेला सीड्स जो कि कलौंजी बोलते हैं हम लोग, तो कलौंजी को हम इस पे ऐड करके फिर से उसको अच्छे से बेलेंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। कोथमीर और जो कलौंजी है नाजेला सीड्स वो उसको अच्छे से लाइक उसके ऊपर स्टिक होने के लिए फिर से एक बार हम बेल लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम इस पे जो वाटर है ना उसको टर्न करके जो है वाटर लगा लेंगे ताकि वो जो सरफेस होता है ना तवे का जो सरफेस होता है उसको अच्छे से स्टिक होने के लिए हम इसके ऊपर वाटर लगा लेंगे पहले। सो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, और ये जो तवा हम यूज़ करें वो सिल्वर का तवा है क्योंकि इस पे जो है नान अच्छे से बनता है। ज़्यादा मतलब उसका जो पीछे जो हम वाटर लगे ना तो उसको अच्छे से स्टिक होके रहता है। अगर दूसरा कोई ऐसा नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं आप लोग तो उस पे क्या है जल्दी ऐसा गिरने के चांसेस रहते हैं रोटी के, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है सिल्वर का तवा ले लिए। अब उसको जो है मैं ऐसा मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था मेरे को जब मैं उसको टर्न कर रही थी क्योंकि वो बहुत गर्म गर्म लग भी रहा था हाथ को। तो इसको ऐसा टर्न कर लेके जो आप देख रहे हो ना अभी स्क्रीन पर इस तरह से ऊपर जो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा आ जाना चाहिए, इसका मतलब जो है नान हमारा रेडी हो गया। इसको फिर कम फ्लेम पे भी हम लोग को पकाना रहता, और देन लास्ट में जो है जैसा नान हमारी अच्छे से रेडी हो जाएगी ना पक्के तो उसके ऊपर से हम जो है बटर लगा लेंगे क्योंकि हम बटर नान बना रहे हैं ना, तो फिर उसके ऊपर से जो है बटर स्प्रेड करना रहेगा। इसी तरह से हम सारे नान जो है जल्दी जल्दी रेडी कर लेंगे, और मैं इसको टर्न करके भी बताऊंगी आपको पीछे से भी कैसा बना है ये, टर्न करके भी मैं लास्ट में पूरा बताऊंगी आपको। पहले जल्दी जल्दी हम सारे नान रेडी कर लेंगे। बटर चिकन रेडी हो गया है, आप सबको कैसा लग रहा है मेरा बटर चिकन मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट करके। अभी जो है सबको टेस्ट करवाने की बारी है, और यहाँ पर हमारे सारे नान जो है बन के रेडी हो गए तो मैं इसको तोड़ कर भी दिखाऊँगी आपको। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को पूरी रेसिपी कैसी लगी है, और नेक्स्ट रेसिपी आप लोग को किस पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी वो रेसिपी भी अपलोड करने की बनाकर। ये जो हमारी नान है देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है, लुक एट दिस। एंड इसका जो बैकग्राउंड है लाइक दिस आप लोग को एक और भी बताऊँगी मैं, तो इस तरह से जो है ये बना है। तो अभी जो है बाबा जो है बेकरी से सारे हम लोग को जो खाने के लिए है ना डेली के लिए तो वो लेकर आए थे, तो जस्ट अभी ये सब हम कंटेनर्स में डाले ये। तो ये जो है खारी जो बोलते हैं ना जो फैन बिस्किट की तरह आती है वो ये खारी है इसमें, और ये वाले जो मम्मी ओपन करो ना, इसमें जो है चिप्स है, और ये हंजा के लिए स्पेशली लेकर आते हैं हम लोग ये नमक पारे, हाँ नमक पारे, और ये कुछ आलू के चिप्स, ये सारे हम लोग कंटेनर्स में डाल के रखे क्योंकि ख़राब नहीं होना और जब भी जिसका भी दिल चाहे वो खा ले सकता।
तो इसको साइड में रख देंगे। और इसमें जो है ये जो बिस्किट्स वगैरह है ये बहुत फ्रेश बने हुए हैं, मतलब अभी बने हुए थे, गरम गरम थे बाबा लेकर आए जब, तो इसको हम लोग कंटेनर्स में डाल दिए थे। तो एक मिनट, तो ये जो है फ्रेश बिस्किट है, अभी भी गरम है ये। और इसमें जो है टोस्ट वगैरह रख दिए हम लोग, ये हम लोग को चाहिए चाय के साथ स्पेशली। और ये तो मलाई है, इसको साइड में रखने का था। इसमें हाँ ये जो है प्याज की पकौड़ी और ये खोआ पूरी। और क्या लेकर है इसमें, ये कुछ दिल खुश वगैरह है ये सारे। और ये कुछ फैन बिस्किट्स कुछ है, यहाँ पर टोस्ट है और ये भी फैन बिस्किट है। तो ये जो है ये समोसे है ना, खट्टे मीठे वाले समोसे, कुछ चिप्स के पैकेट्स। तो ये सारे जो है बेकरी से हम लोग लेकर आए थे, तो अभी उसी का ही पूरे रख दिए। अभी ये थोड़े चीज़ें हैं ये भी कंटेनर्स में रखना है, ये तो सारे रख दिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग रेगुलर खाते हैं ये तो रख दिए हम लोग। बस ये वाले जो है थोड़ा सा निकले अभी वॉक करने के लिए। हम लोग का डिनर वगैरह हो गया था और हम लोग निकले थे कुछ लेंगे बोलकर, तो मम्मा को वहाँ पर जो है हंजाइज सता रहे आने के लिए, आते ही नहीं बोलो शॉप छोड़ के। तो गाइस, आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपीज़ आपको किस पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेरे को ये भी बोलना था कि अभी जो है नेक्स्ट अब मेरे व्लॉग्स थोड़ा नहीं आएंगे 1 मंथ तक मे बी, क्योंकि मेरे जो है सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो अभी मेरे को प्रिपरेशन भी करना है क्योंकि मैं ऑफिस की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती ना कॉलेज को। तो अभी जो है मेरे को सबसे ज़्यादा फोकस मेरे स्टडीज़ पर करना रहता हूँ, तो उसका डेट आ गई है, तो अभी थोड़ा मैं स्टॉप कर दूंगी, लाइक ऑफिस भी स्टॉप कर रही हूँ मैं और साथ में व्लॉगिंग भी मैं थोड़ा कम कर दूंगी। मैं बनाऊंगी कंटेंट वगैरह बना के तो रखूंगी, लेकिन मैं वीडियोस एडिट करके आफ्टर एग्ज़ाम्स डालूंगी मैं, एग्ज़ाम्स के बाद ही जो है मैं सारे वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी। सो खैर जो भी है मैं, और रही बात Q&A की, हाँ सो Q&A का मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, वो तो मैं 4K जब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं पहले बना के वही डालूंगी, जैसा मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे सबसे पहले मैं वही डालूंगी। आप लोग को जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, कुछ भी डाउट्स है किसी को भी रिलेटेड, क्योंकि कमेंट्स में तो मैं ज़्यादा आंसर नहीं दे सकती ना, तो आप लोग पूछ लीजिए, जो मेरे को सेंसिबल दिखा, जो मेरे को अच्छा लगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो इसी के साथ जो है ये व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले ला फेस, टेक केयर। बातों में खोना मैं चाहूँ, तेरी ही आँखों में डूबना चाहूँ, तेरी ही यादों में सो